वेलकम टू सिविल टेक यार सुमन सिंह। आज देखिए ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसी एसी के बारे में, एसी कैसे फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने से पहले पाइपलाइन हमको फिटिंग करना पड़ता है, पाइपलाइन हमको ले जाना पड़ता है एसी के लिए। ये मेन लाइन हो गया, मेन लाइन से डिवाइड होके जो जो रूम में हमको एसी फिट करना है वहाँ वहाँ पॉइंट पर ले जाना होता है, पाइप को ले जाना होता है, पाइप को फिटिंग करना होता है टाई रड के हेल्प से। ये टाई रड हो गया, टाई रड देखिए यहाँ फिक्स किया गया है। टाई रड के हेल्प से हमको उसको टाई रड के हेल्प से हमको पाइप लाइन को ले जाना पड़ता है जो जो रूम में एसी है। समझे नहीं, ये है जो ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, तो हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में जो डॉक्टर रूम है, डॉक्टर चेम्बर है, उसमें हम एसी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो रूम में हमको एसी प्रोवाइड करना है, एसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एसी का पाइप लाइन हो रहा है, पाइप लाइन हो रहा है। ये देखिए ब्लैक का जो कवर दिख रहा होगा पाइप के ऊपर, उस वो है जो प्रोटेक्शन के लिए हम वो देते हैं, ब्लैक का कवर प्रोटेक्शन के लिए देते हैं, जो एसी का जो एयर लीकेज नहीं करे। कि एयर लीकेज कर जाएगा तो मेरा रूम क्या है, कूल नहीं होगा, इसलिए हम उसको प्रोटेक्शन के लिए हम ब्लैक का ये देते हैं पाइप, और पाइप लीकेज नहीं करे, अगर कोई कुछ भी हो तो लीकेज नहीं करे, इसलिए हम ब्लैक का उस पर कवर देते हैं। ये कॉपर का पाइप होता है, कॉपर का पाइप है ये पाइप का डाया बहुत, मतलब सब टाइप का जो मेन लाइन में है पाइप का डाया हम 1 इंची का प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो रूम बाई रूम के है उसमें 1/2 इंची डाया का हम पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं, पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जो ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही हम देखते हुए करते हैं। इसका ड्राइंग में दिया रहता है कैसे कैसे हमको पाइपलाइन प्रोवाइड करना है, पाइपलाइन फिटिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग हम ले जाते हैं। ड्राइंग के ही अकॉर्डिंग किया गया है, पाइप फिटिंग किया जाता है। इसमें है जो इसमें बड़ा एसी, यहाँ पे बिग साइज का एसी हम प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से ये मेन लाइन होगा। मेन लाइन में हमको 2 लाइन आ रहा है, फिर वहाँ से हम डिवाइड करते हुए जैसे जैसे रूम बाय रूम जो जो रूम में हमको एसी प्रोवाइड करना है वो रूम बाय रूम हम पॉइंट देते जा रहे हैं। उसके बाद इसमें एसी फिट होगा। एसी फिट होने के बाद यहाँ पे जो एसी का ये डक्ट होता है वो फिट करते हैं, उसके थ्रू